यामा FZS वर्जन 2 हेड फिटिंग करने वाला हूँ। एक एक आपको पॉइंट बताने वाला हूँ, क्योंकि गाइस सबसे पहले आपको दो ऑर्सल लगाने का, ये देखो कुछ इस प्रकार से दो ऑर्सल है, ये देखो हमने कुछ इस प्रकार से इधर ऑर्सल लगा दिया और एक ऑर्सल दूसरा गाइड पे हमने लगा दिया। ये देखो अभी दोनों ऑर्सल बैठ चुका है। अब आपको वाल्व सील लगाने का, ये देखो इसमें हमने ऑयल डाल दिया क्योंकि ये आराम से बैठ जाएगा। ये देखो हमने कुछ इस प्रकार से लगा दिया और दूसरा गाइड में भी लगा दिया, ये देखो ये बैठ चुका है। अब आपको वाल्व लगाने का, ये देखो दोनों वाल्व। अब आपको स्प्रिंग लगा करके दिखाने वाला हूँ। कुछ इस प्रकार से एक स्प्रिंग हमने इनलेट वाल्व पे रख दिया है और आपको कुछ इस प्रकार से एक कपड़ा लगाने का नीचे का, और ये देखो हमने कुछ इस प्रकार से लगा दिया है, ये देखो कुछ इस प्रकार से लगा दिया है। और ये इसका एक स्पेशली टूल्स आता है गाइस, ये देखो ये टूल से आपको कुछ इस प्रकार से लगाने का। हमने कूलर को लगा दिया है। अब इसमें आपको कुछ इस प्रकार से, ये देखो इसमें दो कट लॉक आता है, ये देखो कुछ इस प्रकार से दोनों लॉक को बिठाने का, ये देखो कुछ इस प्रकार से बिठा रहा हूँ और एक को कुछ इस प्रकार से बिठा रहा हूँ। ये देखो हमने बराबर लॉक बिठा दिया है, ये देखो। अब आपको कूलर से दबाने का, ये अपने आप बैठ जाएगा, इजीली आप ये काम कर सकते हैं। ये देखो हमने कुछ इस प्रकार से लगा दिया है, ये देखो अभी ये बैठ चुका है। अब कूलर से आपको टाइट करना पड़ेगा, टाइट करो ज़रा, टाइट करो, टाइट करो, टाइट करो। अब ये देखो टाइट करो, ये आप देखो लॉक कुछ इस प्रकार से उंगली से दबाने का, ये देखो इजीली बैठ जाएगा। रुको 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 ज़रा रुको, ये देखो अभी बिल्कुल बराबर बैठ चुका है। अब कूलर को ढीला करो, लूज करो, लूज करो, लूज करो, पूरा खोलो। ये देखो गाइस ये बिल्कुल अभी लॉक बैठ चुका है, अब निकालो। हाँ अब कूलर को हटाओ। ये देखो गाइस आपको चेक करके देख लेना चाहिए ये लॉक बराबर बैठा है कि नहीं, क्योंकि अगर बराबर बैठेगा नहीं तो ये निकल जाएगा। ये देखो बराबर अभी बैठ चुका है। उसके बाद एक आपको ढक्कन मिलेगा, ये देखो कुछ इस प्रकार से इसका ऊपर लगाने का, ये देखो कुछ इस प्रकार से हमने लगा रहा हूँ, ये आराम से बैठ जाएगा। ये देखो अभी ये बराबर बिठाने का, ये देखो अभी बिल्कुल ये बैठ चुका है। कुछ इस प्रकार से दूसरा वाला को हमने लगा रहा हूँ, दूसरा बाल कुछ इस प्रकार से सेम ऐसे ही लगाने का गाइस। ये देखो अब इसमें दो कट लॉक आता है, ये देखो हमने कुछ इस प्रकार से पहले बिठा दिया है, क्योंकि आप पहले बिठाएगा तो ईजिली बैठ जाएगा। ये देखो बैठ चुका है अभी। अब आपको नॉर्मली ऐसे नीचे से कूलर लगाने का, ये देखो हमने कुछ इस प्रकार से लगा रहा हूँ, एक कपड़ा डाल दिया है नीचे और कूलर लगा रहा हूँ। ये देखो अब ये कूलर को टाइट करने के बाद आपको दिखाने वाला हूँ किस तरह लॉक बैठता है। हाँ टाइट करो, टाइट करो, थोड़ा जाने दो। ये देखो ये लॉक भी बैठ चुका है गाइस। ये देखो आपको एक उंगली रखना पड़ेगा, एक मिनट रुको रुको, अब आपको एक बार देख लेने का, टाइट करो ज़रा, टाइट करो थोड़ा और, रुको एक मिनट देखने दो और थोड़ा जाएगा, टाइट करो एक मिनट रुको, टाइट करो और थोड़ा टाइट करो। ये देखो अब इजीली बैठ चुका है गाइस, थोड़ा अब इसको लूज करो, ढीला करो, लूज करो, ढीला करो, ये बैठ चुका है गाइस, लूज करो, लूज करो। ये देखो अभी ये बिल्कुल बैठ चुका है, देख सकते हैं गाइस ये बराबर अभी बैठ चुका है। अब इसके ऊपर कवर लगाने का, कुछ इस प्रकार से इसका कवर आता है, ये देखो कुछ इस प्रकार से लगाने का, ये देखो बैठ चुका है अभी बिल्कुल। अभी दोनों वाल्व को हमने फिटिंग कर दिया है। अब आपको कैन साफ लगा के देखने वाला हूँ, ये देखो कुछ इस प्रकार से आपको लगाने का, ये देखो कुछ इस प्रकार से आपको नॉर्मली बिठाने का। ये देखो बिठाने से पहले आपको ऑयल देना पड़ेगा गाइस, क्योंकि ये देखो कुछ इस प्रकार से बराबर बैठ चुका है, बिल्कुल अभी ये बैठ चुका है। लेकिन आपको कैन साफ का टाइमिंग देखना पड़ेगा, ये देखो गाइस इसमें एक
छोर का निशान बना हुआ है और इसमें कुछ इस प्रकार से आपको रखने का, और इस प्रकार से रखेगा तो आपका टाइमिंग आउट हो जाएगा गाइस। ये देखो कुछ इस प्रकार से आपको मिलाने का, ये देखो अब आपको लॉकर को फिटिंग करने का। ये देखो हमने कुछ इस प्रकार से एग्जिस्ट वाला पहले फिटिंग कर रहा हूँ गाइस। ये देखो इससे पहले आपको थोड़ा थोड़ा ऑयल लगाना पड़ेगा, ये देखो, और ये होल के अंदर ऑयल डालना पड़ेगा, ये देखो, ताकि ये बढ़िया करके मूवमेंट होगा। ये देखो ये कुछ इस प्रकार से लगाने का, ये देखो, ये देखो ये अपने आप अंदर चला जाएगा, थोड़ा इसमें ऑयल देना पड़ेगा। ये देखो ये अभी बराबर बैठ चुका है गाइस, ये देखो ये अभी बिल्कुल बैठ चुका है, लेकिन ये देखो गाइस ये बराबर ये होल पे आ गया। ये हमने कुछ इस प्रकार से बिठा दिया है एग्जिस वाला, और इनलेट को बिठा रहा हूँ। ये देखो कुछ इस प्रकार से आपको लगाने का, ये देखो, और इसमें ऑयल लगाने का, कुछ इस प्रकार से पिन को लगाने का, ये देखो कुछ इस प्रकार से लगाने का। ये देखो थोड़ा अभी जाम जा रहे हैं, मतलब इसमें ऑयल देना पड़ेगा। ये देखो अभी ये बिल्कुल अंदर चला गया, ये देखो, ये देखो होल को आपको बराबर रखने का। दोनों हमने लॉकर को बिठा दिया है गाइस। अब इसके ऊपर एक कुछ इस प्रकार से पत्ती आता है, ये देखो कुछ इस प्रकार से लगाने का, और इसमें दो एल की बोल्ट है, कुछ इस प्रकार से आपको टाइट कर लेने का। हमने दोनों एल की बोल्ट को टाइट करके ले लिया है, 4 नंबर एल की से टाइट होता है गाइस, क्योंकि इसी तरह टेक्निकल वीडियो लाता रहूँगा गाइस। आपको बता दिया गाइस कैसे यामा एफजेड एस वर्जन 2 का हेड फिटिंग किया जाता है, एक एक पॉइंट आपको बता दिया। इसी तरह टेक्निकल वीडियो लाता रहूँगा गाइस। मेरा वीडियो अच्छा लगे लाइक करो, शेयर करो, जो भाई वीडियो में नए हैं सब्सक्राइब करो। मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।